जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है, मैं अटलांटा जॉर्जिया से हूँ और आज का टॉपिक ये है कि हम बात करेंगे कि हम पाकिस्तान को स्मार्ट पाकिस्तान कैसे बना सकते हैं। ओके, ये डिस्कशन है, इसमें कोई लेक्चर नहीं है किसी चीज का भी, तो आप आए मिलें और मिलके हम इसको देखते हैं, डिस्कशन करते हैं कैसे हो सकता है। आप अपने क्वेश्चन नीचे सबमिट कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये बताएं कि क्या आपको मेरी आवाज आ रही है और कहाँ, किस शहर से आ रही है, कहाँ से आपने मुझे ज्वाइन किया है। मैंने अपना बता दिया आपको, मैं अटलांटा जॉर्जिया से हूँ। आप नीचे बताएं कि नीचे आप किस शहर से ज्वाइन कर रहे हैं। आई विल बी रीडिंग इट, मैं आपको स्क्रीन पे बल्कि दिखाऊंगा भी कौन लोग कहाँ से कर रहे हैं, तो ये लाइव। और इसके साथ साथ अगर आप इसमें से जल्दी में हैं, बहुत जल्दी में हैं, और आप ये नीचे एक लिंक दिया हुआ है, लिंक आ रहा है आपको, मैं बड़ी जल्दी में बता देता हूँ, फौरन दिखा भी देता हूँ स्क्रीन पे। ये है बिटले का लिंक है जिसमें लिखा हुआ है क्लिक ऑन दिस लिंक, वो नीचे आ रहा है टू रिसीव मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस इनिशिएटिव एंड बिकम्स अवेलेबल। इट्स बल्कि आपको अंदाजा नहीं है, इट्स गोइंग टू बी अवेलेबल सूनर देन यू थिंक। ये बहुत जल्दी अवेलेबल होगा पूरे पाकिस्तान में, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है इसको पार्टिसिपेट करने में, जिससे हम पाकिस्तान को आगे स्मार्ट कैसे बना सकते हैं, स्मार्ट पाकिस्तान बनाने का तरीका भी बताएंगे और इससे डिस्कशन करेंगे। आपके पास इनिशिएटिव है और जो लोग हैं, ये जॉनसबर्ग से सनाउल्ला हैं, ये मैं बताता हूँ, ये सुहेल अहमद ने स्मार्ट पाकिस्तान को टैग भी कर दिया, आप टैग भी कर सकते हैं स्मार्ट पाकिस्तान, आपको इन्फॉर्मेशन आएगी, ये आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है। सुहेल राजा जी हैं सादकाबाद पंजाब पाकिस्तान, वेरी गुड सुहेल राजा, वेलकम। सादकाबाद के दो लोग आ गए, सुहेल अहमद भी सादकाबाद से हैं। अच्छा, आप इसको साथ अपनी प्रोफाइल, सुहेल मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप इसको प्रोफाइलों पे, ग्रुप्स में, सारों पे शेयर करें, अपनी प्रोफाइल पे शेयर करें, अपने जो पेजेस है उन पे शेयर करें, जो दूसरे पेजेस पे आप एडमिन है, आप ऐसा ऐसा इस प्रोग्राम के थ्रू करते हैं ताकि मैक्सिमम लोगों को पता चल सके। अभी नहीं बात करेंगे, आप रीप्ले में बात करें फिर भी इसको आप शेयर करेंगे प्लीज, ये बिल्कुल आपको ये बहुत अच्छी, ये पाकिस्तान की बात हो रही है, पाकिस्तान में ऑफकोर्स आप इंक्लूडेड हैं, तो आपने अपना काम करना है। क्या सीखेंगे आज, स्मार्ट पाकिस्तान कैसे बनता है, कैसे बना सकते हैं, इसमें आपका क्या इनपुट है। यू कैन क्रिएट अ हिस्ट्री बाय एक्चुअली बीइंग पार्टिसिपेटिंग इन दिस वन, दैट इंक्लूड योर गुड जॉब्स फॉर योर सेल्फ। और ये सनाउल्ला सनाई कह रहे हैं आई एम फ्रॉम जॉनसबर्ग, जी वेलकम, ये जॉनसबर्ग मेरा ख्याल है साउथ अफ्रीका में, इज दैट राइट सनाउल्ला, आई एम जस्ट गेसिंग इट, आई इनफैक्ट साउथ अफ्रीका में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी हैं और वो भी हैं, क्लाइंट्स भी अभी बनने वाले हैं काफी, बल्कि इससे पहले भी क्लाइंट्स हैं। पान कुमार कह रहे हैं हेलो सर, जी हेलो पान कुमार, आप किस शहर से हैं, कहाँ से आप लाइव आ रहे हैं। सुहेल राजा कह रहे हैं स्मार्ट पाकिस्तान, थैंक यू सो मच। ओके, अगर आपको ये लिंक नजर नहीं आ रहा, ये स्क्रीन पे मैं दिखा देता हूँ, ये लिंक है आपको नजर आ रहा है bit.ly/smartpakistan, इसको आप क्लिक करेंगे। सुहेल अहमद कह रहे हैं कि आई एम ज्वाइंट फ्रॉम सादकाबाद, ओके आप इसको शेयर करें, ये बड़ी अच्छी कन्वर्सेशन करने की कोशिश करूंगा। कितना फेल पास हुआ है, यू आर द जज नॉट मी, सो आपने इसको जज करना है, मेरा काम ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँ। ओके, स्मार्ट पाकिस्तान है क्या चीज, ये क्या कोई नारा है, सियासी नारा है? नहीं, मेरा सियासत से कोई दूर दूर तक भी ताल्लुक नहीं है। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू राइट नाउ जस्ट टू क्लियर अप, सम लोगों का माइंड होता है ये पता नहीं आपको सियासत की बात करने लगे ना, मुझे कोई नहीं, मैं तो एक एंटरप्रेन्योर हूँ बाई हार्ट और मैं उसी की, जो मुझे काम आता है उसी की बात करता हूँ और उसी की ही बात करनी चाहिए, वरना नहीं करनी चाहिए किसी भी जगह से। ओके ओके, ये स्मार्ट पाकिस्तान टैग है, ये हैशटैग है, इसको आप हैशटैग करेंगे, आपको ऑटोमेटिकली, ना मैंने नहीं लिखा हुआ, ऑटोमेटिकली हमारा एक सिस्टम है जिससे आपको ऑटोमेटिक मैसेज आने शुरू हो जाएंगे आपके मैसेंजर के थ्रू, उसको आप सवाल पूछेंगे, आप कहाँ पे रहते हैं, क्या करते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये सारा छोटे छोटे सवाल होते हैं, उसका जवाब आप दें। फिर जब ये स्मार्ट पाकिस्तान अभी लॉन्च होने वाला पूरे पाकिस्तान में, इसमें हर बंदा बंदी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आप स्मार्ट पाकिस्तान कैसे होगा, ये मैं कन्वर्सेशन है, ये पहले भी शेयर कर चुका हूँ, वेरी क्विक आई एम गोइंग टू शेयर दिस वन। स्मार्ट पाकिस्तान बनाने के लिए आपको सारे सूबों को स्मार्ट बनाना पड़ेगा इक्वली, ओके, कोई डिफरेंस राइट्स का चक्कर नहीं है इसमें, हर सूबे को, उसको हम कहेंगे स्मार्ट केपीके, स्मार्ट पंजाब और स्मार्ट सिंध, हमारे सूबा और स्मार्ट बलोचिस्तान, ओके दैट्स इट, हर सूबे को हमें स्मार्ट करना है और ये हमने ही करना है काम, ये किसी ने बाहर से आके नहीं करना। ओके, बाहर का मतलब ये नहीं है कि मैं अटलांटा जॉर्जिया में रहता हूँ, बाहर नहीं हूँ, हमारे अंदर का दिल पाकिस्तान के साथ है, तो लोकेशन डजंट मैटर, ओके आई एम जस्ट लेटिंग यू नो। अब सुबह स्मार्ट कैसे होगा, एक सूबे को स्मार्ट करने के लिए आपको अपना जो सिटी है वो स्मार्ट करना होगा, स्मार्ट सिटी करना होगा अपने शहर में, ये आप स्मार्ट अपना शहर, जिस शहर में आप रहते हैं, छोटा छोटा कस्बा है, बड़ा कस्बा है, वो आपका शहर है, अपना घर होता है, ऐसे ही है ना, जैसा भी हो, वो कुल्ली हो या कोठी हो या महल हो या पैलेस हो, आपका अपना घर जाके सुकून आता है, तो आपको अपने शहर जाके मजा आता है, सिंपल सी बात है, आपको अपना शहर स्मार्ट होना चाहिए,
and you should be proud of jo bhi aapke paas hai aapko you should be proud of it okay ab smart city ho to aap apne shahar ko yahan lepe likhein jaise abhi suhel ne likha hai ki smart sadqabad aap apne shahar ka naam likhein smart and apna your city dekhiye aapko apne shahar ko smart kehne se to koi nahi rok sakta lekin likhne se smart nahi ho jayega how are your intention pehle smart ki taraf jaye to sahi ye baat hai apne shahar ka likhein ye mohammed daud keh rahe hain mashallah you are doing great work ask a lawyer is so amazing and helpful thank you so much daud hame ये कम्प्लीमेंट आप देने का ये उनके जो गेस्ट का कमाल है इसमें मेरा कोई नहीं मैं तो जस्ट एक ब्रिज हूँ सिंपल सी बात तफसीरुद्दीन कह रहे हैं स्मार्ट पाकिस्तान जी तफसीरुद्दीन साहब ये मेरे साथ लाइव आते हैं अटवा से और ये कनाडा पाकिस्तान बिजनेस फोरम के होस्ट के बल्कि गेस्ट हैं तो मैं तो होस्ट हूँ उस प्रोग्राम का तो इनका माशाल्लाह बहुत कंट्रीब्यूशन है अभी नेक्स्ट वीक्स में और भी कंट्रीब्यूशन करेंगे पाकिस्तान के लिए अगेन बात हो रही है मुझे लग रहा है कि आप खुद इसको वाच कर रहे हैं अपनी प्रोफाइल पर शेयर नहीं कर रहे तो गो अहेड एंड शेयरिंग इज केयरिंग गो अहेड एंड शेयर इट बल्कि जिन ग्रुप्स में जो लोग कहते हैं जॉब नहीं मिल रही ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा जब कंप्लेने करते हैं ना उसमें ये चीज शेयर कर दे ताकि उनको एक अच्छी चीज बात करने की भी बात करें जो जो लोग कंप्लेन करते हैं उनको बातें करने की आदत होती है उनमें अच्छी चीजें अच्छी चीजों की बात शुरू कर देंगे सो डू योर पार्ट उन ग्रुप्स में शेयर करें जो जॉब्स के ग्रुप्स हों किसी भी सीईओ के जो ग्रुप है वहां पे आप करें अपने शहर को आप स्मार्ट कहें बिल्कुल जी कहें आपके पास पूरा राइट है आपके शहर को करने का आतिफ कह रहे हैं ये कराची से हैं बिकॉज ही इज अ स्टूडेंट ऑफ मिनी सिडीक तो इन्होंने स्मार्ट पाकिस्तान का कहा स्मार्ट कराची नहीं लिखा है लेकिन देखें ये दैट्स इंप्रूवमेंट अ लॉट सनावला कह रहे हैं स्मार्ट जॉन्सबर्ग यस वी शुड बी प्राउड ऑफ ओके मोहम्मद दाऊद कह रहे हैं स्मार्ट लाड़काना वंडरफुल इट्स अमेजिंग ये सादकाबाद लाड़काना और ये अंदरूने सिंध के लोग कह रहे हैं अपने आप को स्मार्ट तो अच्छी बात है बड़े शहरों वाले लोग कहाँ गए हैं मैं किसी इस्लामाबाद लाहौर कराची का नाम नहीं चाहिए ये नया पाकिस्तान है जिसमें छोटे शहर भी अपने आप को वो क्लेम करने के लिए तैयार है एटलीस्ट फॉर नाउ एंड वर्ड्स इंशाल्लाह हम इसको मिलकर इसको प्रैक्टिकली भी करेंगे ये सब कुछ पॉसिबल है दुनिया आज की दुनिया में और इसके लिए बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करने वाली बात है सब कुछ चेंज हो जाएगा ये मैं बता दूं अच्छा स्मार्ट सिटी से बात को आगे बढ़ाते हैं स्मार्ट सिटी से आगे बात कैसे करनी स्मार्ट सिटी का अच्छा कह दिया सो व्हाट ओके अब इसके बाद स्मार्ट कम्युनिटी जिस नेबरहुड में रहते हैं जिस कॉलोनी में रहते हैं जिस मोहल्ले में रहते हैं DHA है वो मदर फ्री कॉलोनी है वो छोटी कॉलोनी है बड़ी कॉलोनी है कोई इस्लामाबाद का बहुत अच्छा महंगा वाला सेक्टर है या वो एक एरिया स्लम का एरिया कोई बात नहीं वो आपके मोहल्ले का नाम है उसको हम कहते हैं स्मार्ट कम्युनिटी हम कर सकते हैं अब शहर की बात हो रही है तो शहर से अगली ऐसी चीज ये जी हमारे मोहल्ले का रहने वाला बंदा ऐसे होता है ना अपने दाखाना जिसे मिलाते हैं ये अपना ये हमसाया है तो वो आप अपनी कॉलोनी की अपने मोहल्ले की अपने नेबरहुड की बात आप कर रहे हैं तो उसको हम कहेंगे स्मार्ट कम्युनिटी ओके बिल्कुल ये तफसीरुद्दीन साहब कह रहे हैं स्मार्ट वॉक एंड थैंक यू सो मच ये आतिफ ने फौरन स्मार्ट पाकिस्तान से स्मार्ट कराची कर दिया है आतिफ यू आर अ गुड स्टूडेंट थैंक यू सो मच जी ओके ये और इसके साथ साथ ये पान कुमार कह रहे हैं स्मार्ट अब ये ना शहर का नाम नहीं समझ आएगा मुझे थरुषा स्मार्ट कुमार ये मैंने ये कुमार साहब मैं स्मार्ट कुमार कह दिया बल्कि स्मार्ट है आप जारी बात आप इसको वॉच कर रहे हैं तो इसको प्लीज शेयर करें आगे बात करें इसकी ताकि स्मार्ट ये थ्रुषा ये वर्ड सही है मैंने कभी सुना नहीं पहले या थरुषा है क्या है ओके मेरे पास अभी गूगल करने का टाइम नहीं वरना मैं ठीक कर लेता बिकॉज आई एम ए स्टूडेंट आई वांट टू लर्न राइट अवे ओके जी तो अब जो स्मार्ट कम्युनिटी की बात हो रही है तो स्मार्ट कम्युनिटी होनी चाहिए मोहल्ला आपका पूरा साफ होना चाहिए साफ वो सफाई वाला तो वैसे ही सफाई नहीं सफा माना करनी चाहिए लेकिन अगर नहीं भी है तो आपकी कम्युनिटी स्मार्ट होनी चाहिए अब वो कम्युनिटीज जो होती हैं कम्युनिटी ये शहरों में होती है मोस्टली गांव में अब गांव वालों का क्या कसूर है मैं तो खुद पेंडू हूँ रहिंदा खान के चक्कर 106 पी से हूँ तो इसमें क्या मसला है विलेज भी स्मार्ट होना चाहिए बिल्कुल हमें पूरे पाकिस्तान को स्मार्ट करना है तो एवरी वन हैज टू बी स्मार्ट एट एवरी लेवल इक्वल लेवल पे स्मार्ट होना चाहिए और वो कर सकते हैं अब स्मार्ट विलेज स्मार्ट कम्युनिटी स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा ये बात तो अगले सवाल तो ये ना स्मार्ट सिटी कैसे बनेगा उसमें जो है जो जो लोग जो भी आप काम करते हैं आपको जो काम के लिए लोगों को हायर करते हैं वो दे हैव टू बी स्मार्ट दैट्स इट डजंट मैटर व्हाट यू डू आप दुकान चला रहे हैं जो आपके एम्प्लॉयज हैं वो स्मार्ट करना है अगर आप अपनी दुकान चला रहे हैं तो आपको खुद स्मार्ट होना है अपने आप को भी आपने हायर किया है ना अपनी जॉब करने के लिए वरना उसको हायर करें जो आपसे बेहतर काम कर सकता है बेशक आप ओनर है कोई बात नहीं लेकिन काम वो उसको लगाएं जो अच्छा वाला काम करे जैसे दिल के डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो डॉक्टर सबसे अच्छा होता है ना अपनी कैपेसिटी के मुताबिक अगर आपको पता है ये डॉक्टर सही काम नहीं कर सकता तो आप उसे दिल की सर्जरी कभी नहीं कराएंगे ओके बिकॉज इट्स अबाउट योर फाइनेंशियल हेल्थ इट्स अबाउट योर फैमिलीज हेल्थ क्योंकि बहुत सारे जो मसले हैं वो फाइनेंशियल हेल्थ से रिलेटेड होते हैं अगर वो डायरेक्टली नहीं भी इम्पैक्ट होते तो स्मार्ट हायरिंग इज वेरी वेरी की इसके साथ साथ इसके जो भी आप काम करते हैं स्मार्ट हायरिंग भी करनी है आपने स्मार्ट एग्जीक्यूशन भी करनी है अगर आप स्मार्ट एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे तो वो सारा नहीं होगा वो भी करना है आपको
फिर पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बड़े मसले हैं, स्मार्ट सिक्योरिटी भी चाहिए हमें, पाकिस्तान को सिक्योर भी करना है और हमने ही मिलकर करना है, किसी ने बाहर से नहीं आना। ओके ये मैं बता रहा हूँ एवरी थिंग, बल्कि सोहेल ने मेरे चक का नाम डाल दिया, सोहेल खुद चक में नहीं रहता, ये मैं बता दूँ, ये मेरा भांजा है, ये भी बता रहा हूँ, कोई इसमें कोई वो बात नहीं है। स्मार्ट चक 106 पी, ये रहीम खान का गाँव है, इसमें बल्कि मैं इंशाल्लाह अभी कुछ वीक्स में जाऊंगा भी। आई लुक फॉरवर्ड, जो मजा मुझे गाँव में जाके अपने शहर में अपने गाँव में आता है ना, वो शहर वो ना अटलांटा में आता है, सॉरी टू से दैट। और पाकिस्तान जाके, पाकिस्तान के हर जगह की अपनी वैल्यू है, यहाँ की अपनी वैल्यू है, पाकिस्तान के जाके और फीलिंग होती है, लेकिन अपने गाँव में जाके तो बिल्कुल दिल सुकून में आ जाता है। ओके ये अहमद कयूम कह रहे हैं स्मार्ट लाहौर, बिल्कुल जी स्मार्ट रावलपिंडी भी आ गए हैं वाजिद अली, आप इसको शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसको रीच कर सके। अब स्मार्ट सिक्योरिटी की बात, हम बात को आगे बढ़ाते जाएंगे, स्मार्ट सिक्योरिटी भी है, उस पर भी हमें बात करनी है, स्मार्ट सिटी की बात भी हो गई है, स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिक्योरिटी सारा कुछ, एंड पे बात क्या हो रही है स्मार्ट होम पे, आपका जो घर है वो स्मार्ट होना चाहिए। ओके तो आपके घर तक बात है, हमने पाकिस्तान से बात शुरू करके आपके ऐसे ऐसे आपके घर पे लेके आ गए हैं। ओके इज दैट मेक सेंस सो फार, व्हाई यू आर वाचिंग दिस, अगर आपको सेंस नहीं मारा आप मुझे बताएं कि ये इस बात को आप सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, दिल से करना चाहते हैं या नहीं, या छोड़ो इसको मुझे बताओ फाइबर पे पैसे कैसे बनाने हैं, उसकी बात भी हम कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन आपको ये स्मार्ट सिक्योरिटी भी करना है, स्मार्ट लाहौर भी करना है, स्मार्ट रावलपिंडी भी करना है, स्मार्ट हर सूबे को, हर गांव को, हर कस्बे को हमें स्मार्ट करना है। यू नो व्हाट, लेट मी टेल यू दैट ऑल स्टार्ट्स विद स्मार्ट यू, यू हैव टू बी स्मार्ट, आपको खुद स्मार्ट होना है, उसके बगैर काम नहीं हो सकता। और आप स्मार्ट कैसे होंगे, जब आप स्मार्ट चीज सीखेंगे, सही तरह काम करने का तरीका सीखेंगे, फिर जब आप किसी के साथ जॉब करेंगे या बिजनेस करेंगे तो वो आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, जैसे आपका अपना है, जब भी आप काम अपने रोल में करते हैं यू आर द कैप्टन ऑफ दैट शिप। ओके अब कैप्टन जो जहाज उड़ाता है, अगर आप जहाज कभी नहीं गए तो उस पे सारे लोग जो मुसाफिर होते हैं उन सारों की जो जिंदगी है ना उसके हाथ में होती है। वैसे तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है कब किसके साथ क्या होना है, यू नो आप अल्लाह को नहीं भी यकीन करते तो जिसको आप मानते हैं उस पे आपका बिलीव है तो कोई बात नहीं, तो ये उससे वो होगा। तो आपको जो ये अगर वो उस पे आप आगे नहीं करेंगे अपने आप को, वो आपकी जो रिस्पांसिबिलिटी है, जो कैप्टन की रिस्पांसिबिलिटी है, वो अगर पूरी नहीं करेगा, जैसे अभी मैं अटलांटा से पाकिस्तान पहुंचूंगा तो कितने 20-22 घंटे का सफर है। अब जो पायलट है आपकी, जो अपने जो ही आप प्लेन पे जाते हो तो पायलट ने आपने अपनी जान ऑलमोस्ट पायलट के हवाले कर दिए, दुनियावी जमान में बात कर रहा हूँ। ओके अब वो खुदा न खास कोई मसला हो तो सारों की चले गए, उसमें मैं भी चला जाऊंगा, बस सबने जाना है, इसमें क्या मसला है, दैट्स ट्रू, इट्स अ फैक्ट है। आप बस पे जा रहे हो, डाइवो पे है, जैसे जितनी बड़ी अच्छी बस है, लेकिन आप पीए के प्लेन में हो तो पीए के पायलट के पास आपकी लाइफ है ऑलमोस्ट उस टाइम के लिए, अगर वो थोड़ी सी गलती करे तो दैट्स वे। लेकिन जब कंपनी आपको हायर करती है तो उन्होंने वो वाला रोल आपको पायलट बना दिया उस रोल का, ये बताएं आप। अब वो दिया नहीं नहीं बस ठीक है यार, ये ऐसे होता है, मेरा बॉस ऐसे है, फलां ऐसे है, ऐसे यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, चुगलियां, सियासत, ये वो ऐसे कर रहा है, मेरी मुझे रेज नहीं मिली, ये नहीं हुई, जॉब नहीं मिली, मुझे जॉब मिली, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन रियलिटी ये है कि असल में अब आज मैं आपको ये बताऊंगा कि स्मार्ट हायरिंग कैसे करते हैं, व्हाट डिड आई से, स्मार्ट हायरिंग कैसे करते हैं, इसको किसको सुनना चाहिए, अगर अपनी पूरी जिंदगी में एक बंदा भी हायर किया है, बंदा या बंदी, इंसान बॉय गर्ल का कोई फर्क नहीं है, किसी को अगर आपने कभी हायर किया, किसी को भी आपने हायर किया, तो आप को ये पता होना चाहिए कि स्मार्ट हायरिंग कैसे करते हैं, क्योंकि आपकी जो कंपनी है वो आपकी जो हायर है उसकी बेसिस पे डिपेंड करती है। लेट मी टेल यू व्हाई यू नीड टू हायर स्मार्ट पीपल, स्मार्ट पीपल हायर करने का एक प्रोसेस है। हाउ डू यू नो, आप जैसे पूछोगे या मैं आपको जी प्लीज आप दे दें मुझे, मुझे बस मैं बहुत अच्छा काम करूंगा, ऐसे थोड़ी होता है, वो कहने पे क्या ऐसे हो जाएगा, 100 में से एक बंदा काम का होता है आपको हायर करने का, बाकी 99 इज ऑल, सब ऑप्टिमल रिजल्ट्स देंगे वो आपको, आपको वो जो 100 में से एक बंदे के पास जाना है वो कैसे पहुंचना है उसका एक वेरी प्रूवन प्रोसेस है, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू मी, आई लर्न फ्रॉम एलेक्स मंडोजियन एंड टी के थाउजर एंड जेसन गिलबर्ट। ओके ऑल तीन लोगों को मैंने टैग भी किया हुआ है, अगर आपने उनसे सीखना है तो आप उनके पास चले जाएं, बल्कि एलेक्स मंडोजियन को मैंने टैग किया हुआ है, नहीं किया तो मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन ये मैंने तीनों लोगों से सीखा बड़े सालों के मेहनत के बाद। हम चाहते हैं कि आप उसको पैकेज करके उसको पाकिस्तान में लॉन्च कर दें। ओके ये जो एजुकेशन, ये फ्री फेसबुक लाइव है, ये फ्री है, इसमें कोई पैसे नहीं है। ओके कोई बात नहीं, लेकिन किसी बड़ी कंपनी को अगर स्मार्ट हायरिंग करवानी हो तो सारी बात है, वो तो एक सर्विस है, साइड पे हम उनसे बात कर लेंगे, लेकिन अगर आपको एजुकेशन जनरल लेनी, अपने आप को इम्प्रूव करना है, मैं दोनों चीजें बता दूंगा आपको, एज ए एम्प्लॉय स्मार्ट एम्प्लॉय बन के कैसे इंटरव्यू देने जाना वो भी बता दूंगा,
लेकिन दूसरी तरफ एम्प्लॉयर को स्मार्ट बंदे को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, पिक कैसे करते हैं, वो भी बता दूंगा, ताकि आपका भी फायदा हो जाए, उनका भी फायदा हो जाए, खुद कर ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें पाकिस्तान को स्मार्ट बनाना तो कोई बात नहीं। ओके, इज दैट फेयर? आप ये बताएं कि ये बात ठीक है या नहीं। मैं देखता हूँ और कौन है, ये अहमद क्यूम कह रहे हैं लाहौर से, स्मार्ट लाहौर, सोहेल अहमद कह रहे हैं स्मार्ट सिक्योरिटी, स्मार्ट होम, स्मार्ट सोहेल, यस स्मार्ट यू, यस दैट्स ट्रू। तो आप सोहेल, आप तो ये कहने से स्मार्ट नहीं होता, काम करना पड़ता है। ओके ठीक है, अब आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसमें से ज्वाइन कर सकें। अगर आप स्मार्ट सीखना चाहते हैं, अपने आप को स्मार्ट हायरिंग कैसे करवानी है, तो आपको ये सीखना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहली बात यह कि जब आप इंटरव्यू करते हैं, लोग ये पूछते हैं, अगर सबसे पहले तो जो एड है, जो मैं एम्प्लॉयर से बात कर रहा हूँ, अगर आपने कभी किसी को हायर करना है, जो आपकी एड है, दैट डिटरमिन्स कि आपके पास स्मार्ट लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। ओके, अगर आपको ये इसको वॉच कर रहे हैं, अगर आपको एड की वो कॉपी चाहिए, जो टेम्पलेट है, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर लें। मैं आपको एड की कॉपी दूंगा जिसमें जो स्मार्ट लोग नहीं है, वो स्मार्ट जरूर होने जरूरी नहीं है, जो अपने आप को क्लेम कर नहीं करते कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, इतना रफ नहीं हूं, वो आपको अप्लाई नहीं करेंगे। वो एड में वो नेगेटिव एड होती है, जो लोग स्मार्ट नहीं है वो आपको अप्लाई नहीं करेंगे, आपको वो नहीं चाहिए वो लोग। ओके, बिल्कुल आपको कभी भी नहीं चाहिए और होने भी नहीं चाहिए आपके पास। स्मार्ट हायरिंग सिर्फ और सिर्फ आप पहले एड से शुरू होती है, जब आप एड देते हो ऑनलाइन, ऑनलाइन देते हो पेपर में, उसमें से एक सर्टन वर्ड्स हैं वो आप करोगे, जब उसको करोगे तो उसके बाद वो जो एवरेज लोग हैं वो अप्लाई नहीं करेंगे, वो कहेंगे ओ माय गॉड ये तो पता नहीं क्या है, मुझे समझ नहीं आया। जिसको एड समझ नहीं आई वो अप्लाई नहीं करेगा। ओके, लेकिन दैट डज नॉट मीन जो आपके पास अप्लाई करेगा वो सारे के सारे सारे स्मार्ट होंगे, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन पहला स्टेप डिसक्वालिफिकेशन का शुरू हो गया, आपने क्वालिफाई नहीं करना, आप डिसक्वालिफाई करें लोगों को। पीपल डिसक्वालीफाई देमसेल्फ, यू डोंट हैव टू से नो टू एनीबॉडी। बल्कि जब मैं हायर करता, मैं ना नहीं करता किसी को, जो भी अप्लाई करता है उसको इंटरव्यू कर लेते हैं, लेकिन मैं अपना थोड़ी इंटरव्यू करता, एक प्रोसेस है उसके थ्रू जाते हैं और वो आराम से उनको डिसक्वालीफाई कर देते हैं, वो खुद ही चले जाते हैं, आपको नहीं जाना। अब आपने उस करके आपने ये रिज्यूमे की कॉपी देनी, अच्छी सी तस्वीर लगा लें, पासपोर्ट नंबर ये है, मेरी शादी हुई है नहीं हुई, बच्चे हैं ये है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, रिज्यूमे भी नहीं चाहिए आपका। आपको किसी एक लिंक पे भेजेंगे, वहां पे वीडियो चल रही है या वो रिकॉर्डेड मैसेज आए, कुछ भी है, ऑडियो भी हो सकती है, वीडियो भी हो सकती है, उसको आप वॉच करेंगे, समझ गए। अब अगर आपको वो नहीं समझ आया वो कि वो क्या है, वो मैसेज में क्या है, तो फिर वो आप उसके अगला आपको स्टेप बताएंगे, उसमें से 100 में से 10 लोगों को समझ आएगी, बड़ा साफ कह रहे हैं लेकिन उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करनी आ रही। ओके, उसको कहेंगे ये सारी समझ आ गई, तो नीचे क्लिक करें और ये अगला काम ये कर दें आप, समझ आ गई। 90% जो लोग हैं वो वहां से चले जाएंगे। लेट्स इमेजिन करें, पहले 500 लोगों ने आपकी एड देखी है, 500 में से अगर चले 1000 बंदों का करें, सिंपल है, मैथ आसान हो जाए, वरना एम्बैरेसमेंट हो जाएगी अगर मैथ ना आया तो आप अगर वो 1000 लोगों ने एड देखी है, तो उसमें से जो एड इससे लिखी हुई है कि वो जो स्मार्ट अपने आप को क्लेम करते हैं वो 100 लोग होंगे, 10%। आप 10% लोग, आपको 100 लोगों ने अप्लाई करना है। ओके, अप्लाई के लिए रिज्यूमे जो अगर आप मांगते हैं, स्टॉप डूइंग दैट, यू डोंट नीड द रिज्यूमे right now, there is no resume required at all. Okay, आप उनको ये कहें कि इस लिंक पे वीडियो छोटी सी बना दें, ऑडियो दे दें, मैसेज जिसमें आप उस एड को एक्सप्लेन कर दें, क्योंकि लोगों को पढ़ने से समझ नहीं आती हर चीज, जो वर्ड्स हैं ओनली 7% है। उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे तो फिर वो 100 में से 90 फिर भाग जाएंगे, ये भी मैं बता दूं, यू गॉट इट, 90 खुद ही भाग जाएंगे, आपको ना करने की जरूरत ही ना ही इतने लोगों का इंटरव्यू करने की जरूरत है। अब जो 10 लोग आएंगे उनको आपने उसको क्वेश्चन इंटरव्यू के क्या पूछने हैं, आई कैन गिव यू दैट क्वेश्चन टू। लोग ऐसे पूछते हैं, जी आप बताएं आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, मैं आई एम जस्ट गिविंग यू अ क्लू। ओके, वो कहते हैं आप कभी आपने इंटरव्यू दिया है कि जिसमें लोग पूछते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, मुझे बताएं, थोड़ा सा बताएं, यस मैंने दिया है, नहीं दिया कोई बात नहीं। अगर आप रीप्ले में भी वॉच कर रहे हैं तो आप ये लिख दें कि यस मैंने दिया, ऐसे पूछते हैं स्ट्रेंथ है, मैं जी क्या बताऊं, वीकनेस कैसे बताऊं, क्या करें। अच्छा, अब हमारा प्रोसेस ये, आई लर्न फ्रॉम एलेक्स मंडोजियन अगेन, हम ये पूछते नहीं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस, दैट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि ही इज गोइंग टू लाई एनीवे। ओके, वो रट्टा लगाया हुआ उसने, या उसने समझ की है, अपने बारे में बता रहा है, ये बात ही गलत है, नहीं पूछनी चाहिए किसी स्ट्रेंथ। आप उससे ये पूछें, मैं आपको सवाल देने लगा हूं, आर यू रेडी, आप उससे पूछें ये कि मैं आपने काम किया है, किन किन के साथ काम किया है, वो आपको बताएंगे, और जब वो बताएंगे तो आप उससे ये पूछेंगे जो इस कंपनी के साथ काम किया है, जो आपका प्रीवियस बॉस है या कोलीग है,
अगर मैं उससे पूछूं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है तो वो क्या जवाब देंगे, ये सवाल है। अगर मैं उससे पूछूं कि आपकी वीकनेस क्या है तो वो क्या कहेंगे, आप अपने बारे में नहीं बता रहे, उसके वो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपके बारे में क्या है, क्या मैं उससे ये बात वेरीफाई कर सकता हूं? आप कहेंगे हां जी बिल्कुल कर लें। बहुत सारे कहेंगे जी मुझे नहीं पता कि वो क्या कहेंगे, मुझे क्या पता, डिपेंड करता है वो क्या कहेंगे। अब इससे पता चला कि आपकी आपस में कोई इतनी स्ट्रांग काम करने की वो नहीं थी, वो खत्म हो गई आपकी। अब ये 100 में से ये 10 में से दो लोग इसका जवाब सही देंगे। अब आपने उससे उन बंदों के बारे में उनसे रेफरेंस चेक करना है, कॉल करके उससे ये पूछना है जी मैं आपके बारे में पूछूं, रिवर्स करना है, उनकी क्या स्ट्रेंथ है आपके मुताबिक, उनकी क्या स्ट्रेंथ है। अब दोनों के अगर वर्जन मैच करते हैं तो दे नो ईच अदर वेल, दे हैव डन वेरी वेल द होमवर्क। अगर वो मैच नहीं कर रहे तो दे आर डिस्क्वालिफाइड। 10 में से ये दो लोग आ जाएंगे, ओके, उन दो का फिर आप उनसे रिज्यूमे मांगे। अब बताएं जी दो बंदों के रिज्यूमे ले मिल जाएंगे, दो में से एक हायर कर लेना, इतनी सी बात है सारी। इज इट लुक सिंपल? दैट्स हाउ आई हायर पीपल, आई डोंट आस्क फॉर रिज्यूमे टू एवरीबॉडी, इट्स जंक। नंबर वन, 100 लोगों के रिज्यूमे, मेरे पास रिव्यू करने का टाइम ही नहीं है, मैं कहां से हायर करूंगा, मैं कैसे रिव्यू करूंगा, मेरे पास भी टाइम ही, मेरी टीम के पास भी टाइम नहीं है। लेकिन इसमें एक और बात है कि उसने कम अज कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, नए स्टूडेंट को हायर करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है, ओके, वो जो स्टूडेंट निकल रहा है उसका हायर करने का थोड़ा सा तरीका डिफरेंट है। यूजली जिसने कम अज कम वो 3 रेफरेंस नहीं दे सकता उसका हम हायर नहीं करते। 3 रेफरेंस जिनके साथ उसने काम किया हो पहले, एम्प्लॉयर हो पहले, पुराना बास हो उसके साथ, वो कहते हैं जी मैं पुराना बास का, मेरे तो वास्तव वो मैं नहीं पुराने बास को कह सकता, वो छोड़ के आ गए हो, अब उसको कहने में क्या मसला है। और आपने उनके साथ, उसको हम कैंडिडेट कहते हैं, आपने उनके साथ हमारी मीटिंग अरेंज करनी है, आपने, इसमें बहुत सारी साइकोलॉजी है। एक तो ये कि अगर उसके ताल्लुकात अच्छे हैं, अच्छे टर्म पे छोड़ के आया तो वो आपका मीटिंग अरेंज कर सकेगा, अगर अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो नहीं करेगा, 3 के नहीं करेगा, ही इज गॉन। नंबर वन, वो डिस्क्वालीफाई खुद ही कर ले, मैंने तो नहीं उसका कहा ना करो, वो कहता है जी मैं नहीं कर सकता, कोई बात नहीं। बेसिकली क्या हुआ, अच्छे टर्म पे भी छोड़ के नहीं आया हुआ, असल बात यह है उसने अपना ब्रिज जो बर्न कर दिया उसके साथ, इसलिए वो अरेंज नहीं कर सका, या उसके साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं है, वजह कोई भी हो सकती है, मीटिंग अरेंज नहीं कर सका, तो फिर दैट्स हाउ दे आर गोइंग टू लीव यू, द वे नॉट द डे यू आर हायर्ड, बल्कि आपके करियर में आप अपने एम्प्लॉय को भी बताएं हायर करने से पहले उसको थोड़ी स्पीच दें कि 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी, 2 डेज ओनली, द फर्स्ट डे यू आर गोइंग टू बी हायर्ड ऑन अ जॉब एंड द डे we are going to leave apart from each other, okay? Because employees aate hain chale jate hain, koi baat nahi. Aur aap, the last day on your job is the most important one. First one doesn't even count. You know why? Because pehle din to aap honeymoon hai na, wo to sara achha achha lag raha hai sara kuch. Jo aakhri din aap chhod ke kaise jana, that's how it determines you. This is how it's going to define the rest of your life relationship with each other, okay? Agar aap wo achhi tarah nahi chhod ke jaoge to wo nahi hoga. Agar aap wo achhi tarah chhod ke jaoge to wo bahut achha ho jayega. लेकिन वो मोस्टली लोग जो है अच्छा नहीं छोड़ के जाते, ओके, तो उस वजह से वो लोग आपके साथ वो सही नहीं करेंगे। एक ही दिन डिटरमिन करता है, पहला दिन जो हायर करते हैं वो तो ऐसे हनीमून वाला पीरियड है, एवरीबॉडी हैप्पी, वेलकम वेलकम, बहुत अच्छा लग रहा, आप आइए, बाद में सियासत शुरू होती है, बाद में चुगली शुरू होती है, बाद में सारा कुछ शुरू होता है। तो आप प्लीज इसको शेयर करें, क्या ऐसे आपको नजर आ रहा है कि आपने अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट एम्प्लॉई अगर आपने हायर करने हो तो आप कैसे हायर करते हैं। देखिए मैंने आपको हजारों से चंद लोगों के पास पहुंचा दिया है, वेरी क्विक, वेरी शॉर्ट टर्म मैंने आपको बताया, मैं आपको क्विक रिव्यू करता हूं। अगर आपको 10 लोग हायर करने हैं किसी कंपनी में, हियर इज द फार्मूला, आपको 10,000 लोगों को एड दिखानी है अपनी, 10,000 में से 1,000 लोग अप्लाई करेंगे, 1,000 में से 100 लोग क्वालिफाई करेंगे, और 100 में से 10 लोग आप हायर कर सकोगे आराम से, इतनी सी बात है, सिंपल, दैट्स द फार्मूला, वेरी वेरी सिंपल, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, होपफुली यू लर्न समथिंग। अगर आपने लर्न नहीं किया तो मेरा ख्याल है मैं कम्युनिकेट इनफ नहीं कर सका आपको, तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आई वुड लव टू आंसर दैट क्वेश्चन ऑन द स्मार्ट हायरिंग, और इसके बाद हम अगले दिनों में कुछ स्मार्ट विलेज की बात करेंगे, स्मार्ट सिक्योरिटी की बात करेंगे, स्मार्ट सिटी की बात करेंगे, आज सिर्फ स्मार्ट हायरिंग पे बात कर रहे थे। अगेन वेरी वेरी क्विक, एनीथिंग यू हैव लर्न फ्रॉम दिस, बिकॉज ओके ओ माय गॉड, ये किसी ने बहुत लंबा लिखा है, मैं इसको मैं कैसे लिखूंगा सारा, ओके साजिद हुसैन कह रहे हैं स्मार्ट स्मार्ट, और मोहम्मद अनवर नदीम कह रहे हैं, अनवर नदीम कह रहे हैं स्मार्ट हवेली का लाखा, हवेली लाखा जी, ये हवेली लाखा, थैंक यू सो मच। अच्छा ये मोहम्मद अनवर नदीम का
बहुत लंबा सा सवाल है, ये मेरे मुंह पे आ जाएगा। ओके कोई बात नहीं, मैं इसको पढ़ देता हूँ। अब मैं छुप गया हूँ इस सवाल के पीछे, लेकिन आई वॉन्ट टू शो यू। ओके येस आई गेव सच इंटरव्यूज अबाउट वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। आई टोल्ड एज फॉलोज माई स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आर एज फॉलोज बट नॉट लिमिटेड टू द पेशेंस। माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज माई विलिंगनेस टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल एवरीथिंग टू मेक श्योर इट टर्न्स आउट टू ऑल राइट एंड नेवर गिव अप। My greatest strength is my attitude of not giving up easily ensures my commitment to my work. I do not give up unless every door is closed. Enjoy my work and my confidence, my efforts, my enjoyment of work is my greatest strength. Faith. Oh my God, this is too long. I too trustful for others. It's too hard for me to say no. Perfectionist. Okay. ये देखिए इतना लंबा जवाब आपने दिया है। असल में ये कि मैं तो आपको जो अभी बता रहा हूँ कि ये अच्छा बेसिकली आपने करना ये है कि आपको आप मैं तो आपसे स्ट्रेंथ आपकी पूछना नहीं चाहता, मुझे तो दूसरे से पूछना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपसे नहीं मुझे पूछना। तो वो बहुत आसान हो जाता है क्योंकि मुझे आपसे सवाल नहीं करना। ये मोहम्मद सामान है कि स्मार्ट ओवर टेक सेंट जी, बिल्कुल सामान साहब, थैंक यू सो मच। फाजिया फायजा काशिफ ये कह रही है स्मार्ट बिजनेस फॉर न्यू सेटअप, वेरी गुड, बहुत अच्छा जबरदस्त है। तो आप इसमें से कैसे आप क्या कर सकते हैं, आप क्या स्मार्ट हायरिंग पे ये मैंने बात बताई है क्या समझ आई है? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, कोई बात नहीं, लेकिन नीचे लिख दें आप जो कहना चाहते हैं वो कह दें। तो इसके बाद आज इसके साथ ही आपका मैं कोई और क्वेश्चन होता है विलिंग टू आंसर ऑन स्मार्ट हायरिंग ये इसका, अगर आप जब इसकी कुछ मैं एक छोटी सी पीडीएफ फाइल बना रहे हैं जिसमें सारे स्टेप्स थोड़े से एलेबरेट करके लिख के दे दें आपको ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि स्मार्ट हायर करेंगे तो जो आप काम करेंगे वो उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा, अच्छा निकलेगा तो आपका घर, आप अपना फाइनेंशियल, आपकी वेलबींग होगी। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करें उस कंपनी के रिजल्ट बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, जब वो बेहतर होंगे तो फिर पाकिस्तान ग्रो करेगा, पाकिस्तान ग्रो करेगा तो ऐसा ऐसा हम हर टॉपिक पर बात करेंगे। ये बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक है, एक सेशन में सारा कुछ खत्म नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, ये मोहम्मद सिद्दीक मेरा नाम है, स्मार्ट पाकिस्तान के टॉपिक से हमने बात शुरू की है। हम पाकिस्तान को स्मार्ट बनाने जाते हैं, हम क्विक रिकैप, इससे हमें चारों सूबों को स्मार्ट करना है। चारों सूबों को करने के लिए इसके साथ साथ हमें सिटी को स्मार्ट करना है, सिटी स्मार्ट करने के लिए हमें स्मार्ट कम्युनिटी करनी है, स्मार्ट विलेज करना है, सब एवरीथिंग स्मार्ट एंड एवरीथिंग स्मार्टली एग्जीक्यूट करना है। स्मार्ट सिक्योरिटी भी चाहिए, जो सिक्योरिटी रियल जेन्युइन कंसर्न है, और इसके साथ साथ हैज टू बी स्मार्ट यू, एंड स्मार्ट यू is we started talking about स्मार्ट होम भी आपको करना है, स्मार्ट यूथ भी करने हैं। अपनी सक्सेस क्रिएट कैसे करते हैं उसके लिए ये न्यू सक्सेस सीक्रेट्स है, आई एम द कोऑथर ऑफ न्यू सक्सेस सीक्रेट्स बुक विद टीके थाउजर, इज गोइंग टू पब्लिश वेरी सून इन पाकिस्तान, तो आपको मिलेगी। और ये स्मार्ट पाकिस्तान ये लिंक है और नीचे स्मार्ट का आ रहा है, उस लिंक पे क्लिक करें और इसको प्लीज शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान को स्मार्ट हो सकता है, अगर आप बिलीव नहीं करते तो फिर बेशक ना शेयर करें, कोई जरूरत नहीं है। फर्क नहीं पड़ता, हमें वो लोग चाहिए जो स्मार्ट बनने की डिजायर क्रिएट करते हैं, स्मार्ट बनने की। ये सारा कुछ इधर है और किसी जगह नहीं है। ओके ये दो इंच की जो रियल स्टेट है, दैट्स एवरीथिंग। तो इंशाल्लाह फिर आपको अगले शो में नेक्स्ट वीक फिर से इसी टॉपिक पे बात होगी, उसमें फिर हम कोई और टॉपिक शुरू करेंगे इसी के अंदर, स्मार्ट पाकिस्तान के बैनर के अंदर। इंशाल्लाह आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू माय ट्रिप टू पाकिस्तान। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, और अपना ख्याल रखें और अपनी फैमिली का। अल्लाह हाफिज़।